जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th का टॉपिक नंबर 2 पढ़ रहे हैं। 2 के अंतर्गत हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय और हरों का परिमेयकरण के अंतर्गत 2.2 एक्सरसाइज पूरी कर चुके थे। आज अपन घातांक नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घातांक नियम। देखिए घातांक नियम क्या होता है। 5 घातांक नियम हमने पढ़े हैं 8th में। क्या थे? आधार समान हो, संख्या गुणे में हो, घातें अलग अलग हो। आधा दोनों में क्या है? ए, दोनों गुणे में है और घातें अलग अलग है, तो आधार वही रहता है, घातें जुड़ जाती है। आधार ए ही रहेगा और घातें गुणे वाली क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। यह है घातांक का पहला नियम। इसी तरह आधार समान हो, संख्या भाग में हो, आधार समान हो, संख्या भाग में हो, तो आधार वही रहता है, घातें घट जाती है, तो ए एम माइनस एन। ये था आपका दूसरा। तीसरा घातांक का नियम क्या था? घात की घात होने पर घातें आपस में गुणा हो जाती है, एम इंटू एन। घातांक का चौथा नियम, किसी की भी घात 0 होने पर उत्तर हमेशा क्या आएगा? 1। ये था घातांक के 4 नियम। अब देखिए घातांक का लास्ट नियम। अगर आधार अलग अलग हो, घातें समान हो, क्या है? आधार अलग अलग हो, घातें समान हो, संख्या गुणे में हो, तो आधार का गुणा हो जाता है और घात वही रह जाती है। आधार का गुणा हो जाता है और घात वही रह जाती है। ये है आपके घातांक के 5 नियम। इन पर आधारित प्रश्नावली है आपकी 2.3, और इनको बेस मानते हुए हम उन प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज, ये रही आपकी 2.3। क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। देखिए पहला है 81 की घात आधी। 81 की घात कितनी है? आधी। अब देखिए ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हमें एक उत्तर लाना है, इसका घातांक रूप हटाना है और उसके बाद इसका एक अंक में उत्तर लाना है। अब देखिए 81 की घात आधी, तो पहले हमें 81 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखिए 81 के गुणनखंड करें, 3 से देंगे, कितनी बार गया? 27 बार। वापस से दो, 3×9=27, 3×2=3 3×2=1। या 81 के गुणनखंड क्या आया? 3 की घात 1, 2, 3, 4। देखिए 3 की घात 4 की घात 1/2, यहाँ तक हो गए। अब हमने क्या कहा था? जब घात की घात होती है तो घातें गुणा हो जाती है, जब किसी की घात आने पर घातें क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो देखो यहाँ घात की घात आ गई, तो घातें गुणा कर दो, तो 3×4×1/2, घात की घात घातें गुणा हो जाती है और ये हो गया 3×4×1/2। अब देखिए 2×1=2, 2×2=4, यानी 3×4 कितनी बच गई? 2। 2 से काट दिया हमने, 2 से 4 काटा, कितनी बार गया? 2 बार, और ये बन गया 3×2। तो 3×2 यानी 3×3, उत्तर आया 9। 3×3 कितना आया? 9। तो 81×1/2 को क्या लिख सकते हैं अपन? 9। क्या लिख सकते हैं? 9। इसी तरह देखिए इसका दूसरा है 64 की घात 1/6। तो इसी तरह हमें इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखिए लिखिए 64, 2 से दिया कितनी बार गया? 32 बार, फिर 2 से दिया 16 बार, फिर 2 से दिया 8 बार,
दो से दिया चार बार, दो से दिया दो बार, दो से दिया एक बार। ये आया आपके 64 के अभाज्य गुणनखंड। 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1। तो देखो दो का क्या बनी, कितनी घात है दो की, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये बना 2 की घात 6 की घात 1/6, 2 की घात 6 की घात 1/6। और घातांक के नियम से घात की घात, घात की घात, घाते गुणा। तो ये बना आपका 2 की घात 6 गुणा 1/6, 1/6, 1/6 से 6 से 6 कट गया, 2 की घात 1, उत्तर आया 2। तो सिर्फ इसका उत्तर कितना आया 2, और इसका उत्तर कितना आया 9। अब देखिए इसी तरह इसका तीसरा भाग है 125 की घात 1/3, 125 की घात 1/3। तो देखिए 125 के अभाज्य गुणनखंड, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 से क्या 5 25, 5 से दिया क्या आया है 1। तो देखिए 5 की घात 1, 2, 3 की घात 1/3, घात की घात गुणा 1/3, 1/3 से 1/3 घट गया, बन गया 5 की घात 1, तो उत्तर आया 5। कितना आया 5। यह है आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। और सेम का सेम क्वेश्चन नंबर 2 मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में भी आपके 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है देखिए 4 की घात 3/2, 4 की घात 3/2। तो वही है तरीका, आपको 4 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसको घात रूप में लिखिए। तो देखिए 4 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से दिया 2, 2 से दिया 1, तो ये क्या बन गया 2 की घात 2। तो देखिए 2 की घात 2 की घात 3/2, 2 की घात 2 की घात 3/2, घात की घात घाते गुणा 2 की घात 3/2। तो 2 से 2 कट गया, उत्तर बच गया 2 की घात 3, 2 की घात 3। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। यह है पहला भाग। अब देखिए दूसरा भाग, 32 की घात 2/5, 32 की घात 2/5। तो करिए बाजी गुणनखंड 32 के, 2 से दिया कितनी बार 16 बार, 2 से दिया 8, 2 से दिया 4, 2 से दिया 2 और 2 से दिया 1। 2 से 32 16 बार, 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2 और 2 से 1, तो कितने 1, 2, 3, 4, 5। तो आया 2 की घात 5 की घात 2/5, घात की घात घाते गुणा 2 की घात 5 की घात 2/5, 5 से 5 कट गया, बन गया 2 की घात 2। तो 2 × 2 कितने हो गए 4, कितने हो गए 4। तो इसका सॉल्यूशन कितना आया 4। इसी तरह देखिए इसका तीसरा भाग, 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4। तो देखो 16 से 2 से दिया 8, 2 से दिया 4, 2 से दिया 2, 2 से दिया 1, 1, 2, 3, 4, 2 की घात 4 की घात 3/4, 2 की घात 4 की 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितनी, उत्तर आया 8, कितना आया 8। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा वही सरल कीजिए, सरल कीजिए। इसका पहला भाग है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 की घात 2/3 × 2 की घात 1/7। देखिए 2 की घात 2/3 × 2 की घात 1/7। देखिए घातांक का पहला नियम, आधार समान हो संख्या गुणे, देखो a की घात m इंटू a की घात n, क्या होता है a की घात m प्लस n, a की घात m प्लस n। तो देखो a क्या दोनों में 2 है और m की जगह है 2/3 और 1/7, तो इसको लिखेंगे a, a की जगह दोनों में कौन है 2,
दो की घात दो बटा तीन प्लस एक बटा सात। घाते गुणे में हो, आधार समान हो, संख्या गुणे में हो तो घाते जुड़ जाती है। तो ये बना देखो, दो की घात सात तीन इक्कीस, इक्कीस एलसीएम तीन का भाग इक्कीस दिया सात बार, सात को दो से गुणा किया चौदह, सात का भाग इक्कीस में गया तीन बार, तीन को एक से गुणा किया तीन, यानी दो की घात सत्रह बट्टा इक्कीस। यह आया इसका पहला आंसर। इसी तरह इसका देखिए दूसरे, एक की घात तीन की घात तीन की घात सात। देखिए घात की घात, पहले देखो इसको ऊपर ले जाऊंगी मैं, तो ये बनेगा तीन की घात, नीचे ऊपर जाते बन जाएगा माइनस तीन और बन गया सात। वो ये घात की घात, घाते गुणा माइनस तीन इंटू सात, तो तीन की घात माइनस इक्कीस, और इस घात को मैं नीचे ले जाके बना दूँ तीन की घात इक्कीस, क्योंकि घात मैंने इसको क्या बना दी, धनात्मक। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तीन बट्टा पाँच की घात एक्स और पाँच बट्टा तीन की घात दो एक्स बराबर 125 बट्टा 27, 125 बट्टा 27। अब देखिए ये आ रहा है तीन बट्टा पांच की घात x, ये आ रहा है। अब मैं इसको उल्टा करूंगी, इसको उल्टा करूंगी तो ये ऊपर घात क्या है, धनात्मक, और नीचे जाके किसकी बन जाएगी, ऋणात्मक। तो ये क्या बढ़ेगा, तीन बट्टा पाँच की घात दो एक्स, माइनस का दो एक्स, बड़े नहीं बनी, क्या बना, माइनस का दो एक्स, क्योंकि मैंने इसको आधार से, ये तो तीन बट्टा पाँच और ये पाँच बट्टा तीन है, तो मैंने उसको उल्टा कर दिया, तो ये क्या बन गई, तीन बट्टा पाँच, या इसको यूं करें, ठीक है, माइनस तीन बट्टा पाँच, 125 बट्टा 27। अब देखो आधार समान है, संख्या गुणे में है तो घाते जुड़ जाती है, तो 3 बट्टा 5 एक्स माइनस दो एक्स बराबर 125 बट्टा 27। ओके, अब 3 बट्टा 5 एक्स में से दो एक्स गया, 3 बट्टा 5 एक्स में से दो एक्स गया, बच गया माइनस का एक्स और 125 बट्टा 27। अब इसकी घात क्या आ रही है, माइनस, क्या आ रही है, माइनस, तो मैं इसको धनात्मक बनाऊँ, तो धनात्मक बनाऊँगी तो क्या करूँगी कि मैं इसको उल्टा कर दूँ। ये है आपका तीन बट्टा पाँच और मैं इसको कर दूँ पाँच बट्टा तीन, तो क्या बन जाएगी, एक्स घात बन जाएगी। नीचे से ऊपर लाओगे, मैं नीचे से ऊपर लगते हो तो यहाँ माइनस बन गई, और वापस इसको मैंने ऊपर से नीचे बना दिया तो क्या बन गया, प्लस। अब 125 ये भी पाँच है और ये भी क्या है, 27 का क्या है, तीन, और पाँच की घात तीन 125 और तीन की घात तीन भी कितनी है, 125। अब देखिए जब आधार समान हो, संख्या बराबर में हो, तो घातें भी क्या हो जाती है, बराबर। ये भी है पाँच बटा तीन, ये भी है पाँच बटा तीन, आधार समान है, दोनों संख्या क्या पड़ी है, बराबर में, तो घातें भी क्या हो जाएगी, बराबर, यानी x बराबर तीन। क्या है, x बराबर तीन, तो x का मान कितना आया, तीन। क्या किया, तीन बटा पाँच की घात x है, ये पाँच बटा तीन की घात x है, तो मैंने इसको आधार समान बनाने के लिए मैंने इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करते ये धनात्मक घात किसकी बन जाएगी, ऋणात्मक। अब वही चीज़, आधार समान है, संख्या गुणे में है, तो घातें जुड़ जाएगी, एक घात है x और एक है माइनस टू एक्स, तो घटकर कितनी बन गई, माइनस का x। अब मैंने इस x माइनस x को क्या बना दी, धनात्मक घात, तो क्या बन गई, पाँच बटा तीन, क्या बन गई, पाँच बटा तीन की घात x, और 125 को लिख सकते हैं पाँच की घात तीन, और 27 को लिख सकते हैं तीन की घात तीन, तो मैंने लिख दिया पाँच बटा तीन की घात तीन। आधार समान हो, संख्या बराबर हो, तो घातें भी क्या हो जाती है, बराबर, तो x बराबर तीन। इस तरह से इस प्रश्नावली के एक से लेकर चार क्वेश्चन आज के वीडियो में हम कर चुके हैं, आगे अपन प्रश्नावली नंबर तीन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्ण।